हेलो दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को बटोरने में असफल रही, मतलब कि ज्यादा टिकट नहीं बिके और फ्लॉप होने के कगार पर है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारतीय फिल्मों का इतिहास देखें तो कई ऐसी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर टिकट बिक्री में रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक फिल्म तो ऐसी है जिसका रिकॉर्ड 47 साल बाद भी कोई भारतीय फिल्म नहीं तोड़ पाई है। दोस्तों आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 12 इंडियन फिल्मों पर जिनके बॉक्स ऑफिस पर टिकट सबसे ज्यादा बिके हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है शोले। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान स्टार इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। दोस्तों नंबर 2 पर आता है बाहुबली 2। प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भटिया और रामे कृष्णन स्टार बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया था। दोस्तों नंबर 3 पर आता है मदर इंडिया। महबूब खान के डायरेक्शन में बनी मदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और नरगिस स्टार यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। दोस्तों नंबर 4 पर आता है मुगल ए आजम। दिलीप कुमार और मधुबाला स्टार रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा मुगल ए आजम के 10 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर टिकट बिके थे। के आसिफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। दोस्तों नंबर 5 पर आता है हम आपके हैं कौन। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और माधुरी दीक्षित को लेकर हम आपके हैं कौन बनाई जो 1994 में रिलीज हुई और फैमिली एंटरटेनर होने की वजह से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 7.4 करोड़ टिकट बिके थे। दोस्तों नंबर 6 पर आता है कुली। अमिताभ बच्चन, कादर खान, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान और रति अग्निहोत्री स्टार कुली 1993 की कल्ट फिल्म मानी जाती है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। उस वक्त इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ टिकट बिके थे। दोस्तों नंबर 7 पर आता है मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, राखी और अमजद खान अभिनीत मुकद्दर का सिकंदर के तकरीबन 6.7 करोड़ टिकट बिके थे। 1978 में आई इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। दोस्तों नंबर 8 पर आता है अमर अकबर एंथनी। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना, परवीन बाबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी और प्राण स्टार अमर अकबर एंथनी 1977 की मसाला एंटरटेनर थी जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.2 करोड़ टिकट बिके थे। दोस्तों नंबर 9 पर आता है क्रांति। 1981 में रिलीज हुई मल्टी स्टार फिल्म क्रांति के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ टिकट बिके थे। इस फिल्म का निर्देशन मनोज कुमार ने किया था और ये उस दौर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। दोस्तों नंबर 10 पर आता है बॉबी। 1973 में रिलीज हुई ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टार बॉबी के उस वक्त लगभग 5.3 करोड़ टिकट बिके थे। इस फिल्म का निर्देशन राज कपूर ने किया था। दोस्तों नंबर 11 पर आता है केजीएफ चैप्टर 2। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ चैप्टर 2 इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। यश स्टार इस फिल्म के लगभग 5 करोड़ टिकट बॉक्स ऑफिस पर बिके थे। दोस्तों नंबर 12 पर आता है ट्रिपल आर। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी ट्रिपल आर इस साल अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट अभिनीत इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ टिकट बिके थे।